अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आप लोग अलनाफे के ऊपर मेरा डेटा साइंस का कोर्स ले रहे हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया कि मैं आपको कुछ टूल्स दिखाऊंगा जो डेटा साइंस को इस्तेमाल करते हुए मैंने खुद बनाए, तो आइए बोनस लेक्चर के तौर पे आपको दिखाता हूँ ये टूल्स। आज से पहले पब्लिकली मैंने किसी को भी नहीं दिखाएं। आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर डेटा साइंस स्किल्स आपको आती हों तो कोई लिमिट नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं। इस टूल के ऊपर पिछले 2 सालों से मैं काम कर रहा हूँ, तकरीबन फाइनल हो चुका है, कोडिंग हो चुकी है। यूआई यूएक्स में मेरे को इतना अच्छा नहीं हूँ, तो उसके लिए मुख्तलिफ कंपनी से बात करके बनवा रहा हूँ। जब ये बन जाएगा तो अलनाफे के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही आपके पास अवेलेबल होगा। इस टूल का फ़िलहाल नाम स्किल स्कोर है, शायद चेंज करके मैं कुछ और रख दूँ। स्किल स्कोर क्या करता है? हमारे पास ये अमरीका के अंदर बंदों का क्रेडिट स्कोर होता है। एक्सपीरियन है, ट्रांस यूनियन है, इक्विफैक्स है, ये 3 कंपनियाँ हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट करती हैं। ये अमूमन 300 से 850 के बीच में होता है। अगर आपका 300 स्कोर है, इसका मतलब अमेरिका में शायद बड़ी मुश्किल से आपको जॉब मिले, और उधार तो 1 रुपये का भी आपको कोई नहीं देगा। हाँ, अगर आपका 800 850 स्कोर है तो आप किसी भी बैंक में वॉक इन करके जाएं और BMW गाड़ी ख़रीद के लेकर आ जाएं, और बहुत कोई शायद आपसे डाउन पेमेंट भी ना हो। आप $500,000 का घर $100 डाउन पेमेंट देके चाबी हाथ में लेके आ सकते हैं। तुमने सोचा पाकिस्तान के अंदर कैरियर काउंसलिंग का बहुत मसला है। मैं कैरियर काउंसलिंग का वो अपॉइंटमेंट्स करता हूँ, 15 मिनट देता हूँ, तो लोग बोलते हैं 15 मिनट में क्या बात हो सकती है। उनको ये नहीं पता कि पीछे कौन से सॉफ्टवेयर मेरे पास हैं जो सिर्फ आपका नाम मिलने की देर है और सब कुछ निकाल के आपके बारे में मुझे दे देते हैं। बहरहाल, तो स्किल स्कोर में आइडिया हमारे पास ये है कि किसी भी शख्स का CV लेके हम उसका क्वांटिफाई करके उसका स्किल स्कोर मालूम कर सकें। कहीं पर भी आगे बढ़ने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली चीज़ चाहिए होती है कि आप कहाँ खड़े हैं, दूसरी चीज़ आपको कहाँ जाना है, एंड तीसरी चीज़ हाउ टू गेट देयर। आप बोलें जी मैं सक्खर में हूँ, मुझे कराची जाना है, तो कोई भी शख्स आपको रास्ता बता देगा। आप बोलें किसी को फ़ोन करके मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे ये भी नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, तो कोई भी शख्स दुनिया का आपको रास्ता नहीं दिखा सकता। आप किसी को बोलें मुझे ये तो पता है मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, लेकिन ये नहीं पता मुझे जाना कहाँ है, तो भी कोई शख्स आपको रास्ता नहीं बता सकता। तो इसके यहाँ पर हम डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग को यूज़ करके आपको सारे प्रोफेशंस और पाथ बता देंगे। ILO के अंदर 18,000 प्रोफेशंस हैं, वाइल्ड फोटोग्राफर से लेके एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट तक, कि आप कौन कौन से पाथ पे आ सकते हैं। आपका स्कोर 93 है, आपको मुल्क का वज़ीर आज़म होना चाहिए। आपका स्कोर 13 है, अगर खुदा ना खास आप आज मर गए तो मुल्क में कम से कम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। इस स्किल स्कोर को हमने 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। अगर आपका स्कोर 1 से 30 के दरमियान है, इसका मतलब अभी आपकी प्रोफाइल बन रही है, अभी आप बच्चे हैं, अभी आप अपने ऊपर काम करें, मास्टर्स करें, बैचलर्स करें, अलनाफे से कोर्सेज करें, बाकी चीज़ करें। ग्रोथ के अंदर आप बढ़ रहे हैं आगे, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, 2-3 साल आपको हो गए, मज़ीद अपने आप को अपस्किल करने की ज़रूरत है। कोई कोर्सेज कीजिए, कोई किताबें पढ़िए, मज़ीद आगे पढ़िए और अपने आप को और आगे स्केल अप कीजिए। इम्पैक्ट में ये होता है कि जब आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच चुके होते हैं ज़िंदगी के अंदर, आप अच्छे पैसे कमा रहे होते हैं, पिछले लेक्चर के हिसाब से दुनिया के टॉप 1 टॉप 5% में कहीं होते हैं, अब आपका टाइम है कि आप सोसाइटी को वापस करें, आप किताबें लिखें, आप थॉट लीडरशिप प्रोड्यूस करें, ये तमाम चीज़ें करें, वो इसमें आते हैं। एल्गोरिथम्स में हमने क्या किया है, जो भी डेटा अवेलेबल है जॉब्स के ऊपर, वो सारा का सारा हमने स्क्रैप किया है लिंक्डइन से, रोजी से, बाकी जॉब पोर्टल्स के ज़रिए, यूनाइटेड नेशंस का, ILO का, और इन तमाम जो डेटा है इसको स्क्रैप करके हम आपको आपका स्कोर बताते हैं। अगले लेक्चर में इसका मैं आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ।